नमस्कार, वीडी टीवी भारत के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बना है। प्राचीन समय में भारत में ऐसे कई विश्वविद्यालय थे जहां देश विदेश के छात्र और छात्राएं पढ़ने आते थे। भारत में चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक ऐसे कई विश्वविद्यालय बने जो आज भी भारत के इतिहास में दर्ज हैं। इन विश्वविद्यालयों में वैदिक शिक्षा के साथ साथ अन्य विषयों की पढ़ाई भी होती थी। समय समय पर कई राजाओं ने अपने शासन काल में इन विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया था। ऐसी कुछ और दिलचस्प बातें आज हम आपको बताएंगे, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर की कहानी। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में सबसे पहले और सबसे प्राचीन जिस विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है वो था तक्षशिला। इतिहास में कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 27,000 वर्ष पहले किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ये विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के बंटवारे से पहले ये भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इस विश्वविद्यालय में विश्व के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहाँ आयुर्वेद, नीति शास्त्र जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। ये भी कहा जाता है कि यहाँ कई देशों के राजकुमार भी विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद अगर सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय का नाम आता है तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ये भारत के बिहार राज्य में है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 450 से 470 ईस्वी के दौरान उस समय के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। इस विश्वविद्यालय में उस समय केवल भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे कई बड़े देशों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय इस विश्वविद्यालय में कम से कम 300 से अधिक क्लासरूम थे और यहाँ के टीचर्स के लिए 9 मंजिल की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला के बाद भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनाया था। इस विश्वविद्यालय में अन्य विद्यालयों की तरह भारत के साथ साथ विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है जहाँ दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय ये विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। इतिहास की कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 470 ईस्वी के आसपास हुआ था। पढ़ाई के मामले में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बराबर ही इसे उस समय माना जाता था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय इसकी इमारत बेहतरीन कला का उदाहरण थी जो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। यहाँ आज भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय पुष्पगिरी विश्वविद्यालय भारत के उड़ीसा राज्य में है। इसका निर्माण लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास किया गया था। उस समय ये विश्वविद्यालय उड़ीसा की पहाड़ियों के बीचों बीच बनवाया गया था। इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे सम्राट अशोक ने बनाया था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये भी कहा जाता है कि लगभग 700 से 800 सालों तक भारत में शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें। नमस्कार।